भागलपुर के टाउन हॉल में जीविका दीदियों के साथ स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम भागलपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नबलसूर चौधरी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी सेक्टर पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, मास्टर प्रशिक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे, जिनका समवेत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नबलसूर चौधरी ने इस कार्यक्रम के तहत बताया कि हमें लोगों को जागरूक करना है और मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है, तभी हम अपने सही नेतृत्वकर्ता को चुन पाएंगे। साथ में सभी पदाधिकारी, तकनीकी मास्टर, सहायक प्रशिक्षक एवं पुलिस पदाधिकारियों का संवेग प्रशिक्षण के दौरान कई बिंदुओं वार्ता करते हुए कहा कि हमें यह चुनाव शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है। ये जो कार्यक्रम है, ये एक स्वीप कार्यक्रम के तहत बनाया गया है और इसमें हमारा मेन उद्देश्य जो है वो है किसी भी तरीके से 26 अप्रैल को वोटर का परसेंटेज बढ़ाना है। जिला से सवार में मीटिंग रखी गयेगी जिसके तहत हमें 85% का टारगेट दिया गया। हमें हर हालत से वो 85% का वोटर टर्नआउट रेशियो को लाना है और इसके लिए कई विभागों ने कई मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जोर से बोलिएगा, बोलिए अभी पहली बार, एक बार। और ये जो लोकसभा चुनाव कितनी बार आता है? 5 साल में एक बार। तो ये कितनी बार? एक वर्ष में एक बार। और चुनाव लोकसभा कितनी बार में? 5 साल में एक बार। कि 5 साल में हम लोग दोस्त बोलिए चाहिए, वोट देना चाहिए या नहीं चाहिए? वोट देने से फायदा है या नुकसान? अब मैं तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारी आदि आबादी है, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं। हर घर में अक्सर ये होता है कि भाई हमारा कहना जो है हमारे पति या हमारा बेटा नहीं मानता है या हमारी और भी जो है वो नहीं मानते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप जो कहिएगा वो देश मानेगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो आप कहिएगा वो देश मानेगा। भागलपुर के नवछिया में शिव शक्ति योग पीठ से हिंदी नववर्ष के अवसर पर मंगलवार की सुबह में स्वामी आगमानंद जी महाराज की तरह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नवछिया के लक्ष्मीपुर स्थित शिव शक्ति योग पीठ आश्रम से निकाली गई, जो पकड़ा तितरी होते हुए खगड़ा गांव पहुंची। खगड़ा गांव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 2100 महिलाओं के साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। खगड़ा से शोभा यात्रा शुरू होने के बाद गरैया प्रवत्ता जगतपुर गाँव स्थित शिव मंदिर में सभी 2100 कलशों में जल भरा गया। फिर यह यात्रा जगतपुर से विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर चढ़ते हुए गरैया खगड़ा गांव में प्रवेश करते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया गया। इस दौरान कई आचार्य भी मौजूद रहे। स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा कि यह नववर्ष नातनियों का नववर्ष है, इसलिए आज के दिन सभी हिंदुओं को यह नववर्ष मनाना चाहिए। आगमानंद ने कहा कि प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव के साथ आज से चैती नवरात्रा प्रारंभ होता है। विगत कई वर्षों पूर्व से शिव शक्ति योग पीठ के तत्वावधान में अपने पूरे बिहार क्षेत्र में यह नववर्ष की यात्रा कई कई वर्षों से चल रही है। लगभग लोग 90% भूल गए थे कि हमारा हिंदी नववर्ष भी होता है। विक्रम संवत से यह नववर्ष है अपना हिंदी नववर्ष, और प्राकृतिक दृष्टि से भी अच्छा है। आम में मंजरियाँ आती हैं, प्रकृति भी सबूत है इस नववर्ष का। नवरात्र भी होता है, फिर नवा पारायण भी होता है, भगवान राम का जन्मोत्सव है। अनेक विस्तृत कारण हैं, उनमें ये सार कारण है कि प्रकृति में लक्षण परिलक्षित होता है और यह नववर्ष, इस नववर्ष को इसी प्रकार मनाते हुए जागृत रखना चाहिए। हर समाज क्षेत्र में यह यात्रा निकलनी चाहिए जिससे मनुष्य इसे भूले नहीं। मनाने पर भारत में प्रभाव ये पड़ता है कि भारतवर्ष में विक्रम संवत का महत्व है कि विक्रमादित्य कैसे राजा हुए, जिनके दरबार में नवरत्न थे, मनीषीगण थे, और उन्होंने भी सनातन अवलंबियों को एक आश्रय दिया। कली संवत के बाद विक्रम संवत का प्रमुख स्थान है और इसलिए वो एक मानक दंड है सबों के लिए।
वहाँ से फिर सब लोग इस स्थिति को यात्रा अपना रहे। क्या अपील करेंगे आम जनमानस से? आम जनमानस को भी प्रकृति के सानिध्य में रहने का अवसर मिल रहा है, सबको लाभ मिलेगा। प्रकृति से दूर हटने के लिए नहीं, नववर्ष प्रकृति के समीप रहने के लिए बताता है। तो प्रकृति की छत्र छाया में कल्याण है, प्रकृति से दूर होने पर मनुष्य में आपत्तियां हैं, विनाश हैं, अनेकानेक विनाशकारी लीला इसलिए होती है प्रकृति से दूर, प्रकृति के विरुद्ध छेड़छाड़ करने से मनुष्य का कल्याण। आज नौ दिवसीय यज्ञ का भी शुभारम्भ हो रहा है। यज्ञ का शुभारम्भ हो रहा है, आज तो प्रथम दिवस है, यात्रा के बाद उद्घाटन है। थोड़ी बहुत कथा चर्चा होगी राम जी की। राम हमारे भारतीय जीवन दर्शन के परम आदर्श हैं और भगवान श्री राम जी से आदर्श दूसरा नहीं है। उनकी कथा होती है हर मनुष्य सही मार्ग पर चले, सही कार्य करे, राम का आदर्श जीवन में अपनाए, स्वयं का भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण है। राम भगवान राम ने अपने लिए कम दूसरों के लिए अधिक सोचा। यज्ञ से भारत या भागलपुर वासियों के लिए क्या फायदा है? प्रकृति का जो असंतुलन है वो यज्ञ से ही संभल सकता है। कभी कभी वर्षा, कभी धूप, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी अग्नि इत्यादि, जितना प्राकृतिक विडंबना है वह यज्ञ से शांत रहता है। और निश्चित रूप से यज्ञ से समय पर वर्षा होगी, फसल होगा, कृषि प्रधान भारत देश है और प्राकृतिक संतुलन बना रहे, इसलिए यज्ञ अच्छी चीज है। भागलपुर में 8वीं से पास आउट छात्रा मंगलवार को डीएम से मिलने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने गुहार लगाई कि मध्य विद्यालय साहेबगंज से 8वीं से पास आउट होने के बाद विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि तुम लोग सभी जगलाल स्कूल में दाखिला लो, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। छात्रों ने आगे बताया कि जगलाल स्कूल में लड़का लड़की दोनों पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम लोग झुनझुनवाला स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से टीसी नहीं दे रहे हैं। इसी बात को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी से दर्जनों छात्रा मिलने के लिए पहुंची और गुहार लगाई। मैं मध्य विद्यालय साहिबगंज से आई हूँ और मैं वहाँ पहले एट क्लास में पढ़ती थी और अब मैं वहाँ से ट्रांसफर होने वाली हूँ, जो कि वहाँ की मैम ने मुझे कहा है कि तुम लोगों को जगलाल स्कूल जाना है। वहाँ जगलाल स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, वहाँ हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग जाना चाहते हैं झुनझुन स्कूल, जहाँ की गर्ल्स स्कूल है वो, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को टीसी मिले और हम लोग यहाँ डीएम सर से बात करने के लिए आए हैं। जगलाल में लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं और हम झुनझुन में नहीं पढ़ते, जो कि हम लोग झुनझुन ही जाना चाहते हैं। जगलाल स्कूल में कोई चीज़ का सुविधा भी नहीं है। नहीं, पेरेंट्स हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग झुनझुन स्कूल में ही जाओ। आज हम लोग डीएम सर से बात करने आए हैं कि हम लोगों को टीसी मिला दे और हम लोग झुनझुन स्कूल में ताकि जाके नाम लिखवा लें। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है।
कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। लोकसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर 26 भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक अमित तलवार, व्यय प्रेक्षक अमित डी मल्लीनाथपुरा, नंद दुलाल दास, पुलिस प्रेक्षक सुनील कुमार सिंह के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने SSP आनंद कुमार, पुलिस अधीक्षक नौगछिया पूरन कुमार झा की उपस्थिति में सभी अभ्यर्थियों के साथ निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने को लेकर समीक्षा भवन में बैठक की। इससे पहले जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और उन्हें शांति व सौहार्द के साथ आगामी चुनाव को संपन्न कराने की बात कही। साथ उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान किस तरह से EVM मशीन काम करेगा उस पर भी चर्चा की और डेमो भी दिखाया गया। साथ उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। बैठक में उन्होंने बताया कि भागलपुर में जो EVM है वो अत्याधुनिक M3 मॉडल का है। उन्होंने EVM के सभी पार्ट के संबंध में बारीकी से जानकारी दी, साथ ही राजनीतिक दलों को अवगत कराया और इसके फंक्शन को ये बताया गया। उन्होंने कहा मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी को धारा 144 लगाने का अधिकार है। उन्होंने P1, P2, P3 के कार्यों से भी सभी को अवगत कराया और कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के अधीन हैं और आदर्श आचार संहिता लागू है। सपोज कीजिए कि इस बार 12 कैंडिडेट हैं हमारे, तो 12 × 4 = 48 और 2 वोट कैंडिडेट नंबर 1 और 2 को पड़ेगा, 50 वोट पड़ेगा। 50 वोट हम लोग मशीन को ठीक करके 50 वोट डालेंगे, उसके बाद पर्ची को काउंट करते हैं कि 50 वोट जैसे कि 4-4 वोट सभी कैंडिडेट को और 2 वोट एक्स्ट्रा कैंडिडेट नंबर 1 और 2 को पड़ा, तो पर्ची काउंट करते हैं, उस पर्ची में मिलान करते हैं कि कहीं किसी को गलत तो नहीं हो गया, आज इसको 4 वोट दिया उसको 5 तो नहीं पड़ गया, या किसी को 5 दिया किसी को 4 तो नहीं हो गया, तो ये इसको हम लोग काउंट करते हैं। फिर उस पर सभी पर्ची को सुरक्षित करके हम लोग एक लिफाफा में बंद करते हैं और एक डब्बा में सील कर देते हैं, हमारे प्रिजाइडिंग सील कर देंगे। इसके बाद हमारा मशीन जब बिल्कुल सही सारा सिस्टम रहेगा, मशीन हमारा काम करने के लिए तैयार रहेगा, जैसे सुबह का 7 बजेगा, उस 7 बजे से पहले पहचान वगैरह की प्रक्रिया लोग शुरू कर लेते हैं, लेकिन 7 बजे से हम मतदान शुरू कर देंगे। यानी व्यक्ति पहला आया P1 के पास, जो पोलिंग एजेंट हमारा 1 है, उनके पास व्यक्ति जाएगा, वो पहचान सुनिश्चित करेगा उनका कि आदमी की पहचान क्या है, और उसके बाद उनका पर्ची देखेगा, अपने वोटर रोल में वो मार्क करेंगे कि ठीक है मैच कर रहा है, फिर अगली जगह पे जाएंगे, उनको निशान लगाएंगे और उनका कुछ कार्ड नंबर भी नोट करते हैं, कार्ड नंबर पहचान पत्र का कार्ड नंबर क्या है, जैसे वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई ऐसा मतदाता पहचान पत्र, कोई ऐसा पहचान पत्र जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड है, जो 14 प्रकार के हैं, वो उसका नंबर लिखते हैं। इसके बाद वो आपको रेफ़र कर देंगे थर्ड के पास रेफ़र करेंगे, वो आपको इंक लगा करके रेफ़र कर दिए थर्ड के पास, वो आपको बैलेट देंगे और इसके बाद आप चले जाइए बूथ पे, अंदर में चले जाइए, वहाँ पे हमारा बैलेट VU मशीन जो है, बैलेट यूनिट है VU रखा हुआ है और उसी के बगल में VVPAT मशीन रखा रहता है। हम लोग VVPAT मशीन को अंधेरे में रखते हैं, क्यों? क्योंकि उससे जब वोट डालेंगे आप तो उससे पर्ची निकलेगी, उससे रोशनी भी होती है, दूसरा कि अधिक रोशनी में रख देंगे तो मशीन हीट सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव है, काम नहीं करता है, तो हीट सेंसिटिव है तो उसको सनलाइट में नहीं रखते हैं हम लोग, या थोड़ा सा ओझल करके रखते हैं, और ऐसे भी इसमें से लाइट आता है, जो व्यक्ति जो वोट डालेगा जनरली जितने नंबर बटन प्रेस करेगा वही पर्ची वहाँ से निकलती है, उसको हम लोग मॉक पोल में ही वेरीफाई कर लेते हैं कि मशीन हमारा ठीक है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति वोट करते हैं तो जनरली 7 सेकेंड तक एक जैसे वोट करेंगे तो बिप साउंड होगा, बिप बजेगा और 7 सेकंड में वो पर्ची जो है नीचे गिरेगी और फिर वो मतदाता फ्री है, उसके बाद वो बाहर निकल सकते हैं, फिर दूसरे मतदाता का नंबर है, जब वो बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे मतदाता प्रवेश करके वोट करेंगे। अब 2 संभावनाएं होती है, कई बार मॉक पोल में मशीन कोई ख़राब हो गया तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में मशीन है, हमारे सेक्टर हैं, पहले तो कनेक्शंस ठीक करके हम लोग दुरुस्त करते हैं, नहीं दिक्कत होती है तो मशीन रिप्लेसमेंट की भी पर्याप्त सुविधा है। एक है कि अगला जब वोटिंग स्टार्ट हो गया उस समय भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा मशीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि इसमें कोई कनेक्शन एरर या कम्युनिकेशन कोई एरर होता है, उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम रहेगी। वैसे आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे हम कि हमारे ज़िले में काफ़ी उच्च क्वालिटी की मशीन है, जो रिसेंट मशीन है वही मशीन हमारे ज़िले में प्रोवाइड किया गया है और इसको हम लोगों ने FLC फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होता है काफ़ी अच्छे तरीके से दुरुस्त कर लिया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के नवगछिया थाना क्षेत्र के तितरी गांव में पशुपालक नीरज कुमार यादव की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। अपराधियों ने नीरज के सीने में गोली मारी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पड़ोसियों ने उसे इलाज के लिए स्थानीय रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के ही टिंकू सिंह के खेत में बकरी जाने को लेकर सोमवार को विवाद हुआ था। इस विवाद में नीरज को गोली मारकर हत्या कर दी गई होगी। हालांकि घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी टिंकू सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने नीरज कुमार यादव को तब गोली मारी जब वो पशु को खाना दे रहा था। लोगों ने घायल अवस्था में नीरज कुमार को नवगछिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नीरज के माता पिता नहीं है, वो अकेले घर में रहकर पशुपालन का काम करता था। सोमवार को नीरज के खेत में टिंकू सिंह का बकरी चरने गया था, जिसको लेकर टिंकू और नीरज के बीच विवाद हुआ था। इसी में गोली मारने की बात सामने आ रही है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। बसा पे जानवर भैंस को चारा देने के लिए गया था, उसी टाइम में इसको मार दिया। कौन मारा? मारा टिंकू यादव। पिता क्या क्या यादव कहाँ का? टिंकू यादव ने, टिंकू सिंह। अच्छा अच्छा, पिताजी का नाम उसका? पाथो सिंह। क्यों मारा पता है कुछ? तो सर ये बहस सब में होने लगा, उस जगह मार दिया। कब घटना घटी है? ये सात कहाँ पर घटी? रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे। वहीं से आप लोग को कब पता चला? अब हमको पता चला 7:30-8 के लगभग। अच्छा, क्या पता चला आपको? कि नीरज कुमार को मार दिया गोली। तब घर से हम सिर्फ भाग के गए, वहाँ देखें तो सारे लोग भाग गया मारने वाले। तो लाश हम देखें, लाश नीरज कुमार को देखें, तो वहाँ से हम लेके भागे यहाँ हॉस्पिटल, नवगछिया सरकारी हॉस्पिटल, पुलिस को खबर दिए। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र स्थित सरयू देवी मोहनलाल इंटर मध्य विद्यालय में लोकसभा चुनाव जागरूकता को लेकर एक सभा की गई, जिसमें शिक्षक, छात्र व दर्जनों अभिभावक मौजूद थे। कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रवेश उत्सव या नामांकन अभियान के तहत चलाया गया। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के तहत कई बिंदुओं में वार्ता हुई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान लोगों को अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकाल कर मतदान करने की अपील की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि लोगों के बीच लोकसभा चुनाव में घर से निकल कर मतदान करें, अपना बहुमूल्य मतदान के बारे में बताया कि यह कितना कारगर सिद्ध होता है, आपका एक मतदान से सब कुछ बदल सकता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक संतोष प्रेमचंद भारती, धर्मेंद्र मोहम्मद, गुलाम अली मुर्तजा के अलावा कई शिक्षक मौजूद थे। सरकार के आदेशानुसार हमने आज अपने विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी रखी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई का भावना जो है ज़्यादा हो, ज़्यादा बढ़े। और उससे भी बड़ी बात एक और है कि जो मतदान होने वाला है हमारे ज़िले भागलपुर में 26 अप्रैल का, उस मतदान के लिए अभिभावकों को या जनता को जागरूक करना, इसके लिए हमने अभी सुबह सुबह एक रैली भी निकाली थी। हमारे सारे बच्चियाँ, हमारे सारे शिक्षक शिक्षिकाएँ सब हम लोग गए हुए थे और सब लोगों को जागरूक कराने का कार्य किया। हम लोग एक नारा हमारा ये भी था कि पहले करो मतदान फिर करो जलपान, हम लोग ये बोल के और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे बच्चों का जो आज प्रवेशोत्सव होना है, उसके लिए भी हम बच्चों के गार्जियन का स्वागत करते हैं, अभिभावकों का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही उनसे एक अपील कर रहे हैं कि अभिभावक महोदय, आप अपने परिवार सहित जो जो वोटर हैं वो सब जाके एक उनके अनुसार जो अच्छी छवि वाले मतदाता उम्मीदवार हैं उनको वो अपना मतदान अवश्य करें। मत बहुत कीमती होता है, इसको जाया ना। बहुत बहुत धन्यवाद।